मौलाना मोहम्मद वाला सुभान अल्लाह बच्चों, जज़ाक अल्लाह। व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं और हमने सोचा कि अगर वो हमारे साथ हैं तो कुछ और वक्त हमारे साथ गुजारे, हम थोड़ा उनको अपने प्रोग्राम की फील भी दें। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं नूरे मिद्दत। ये हमारा नातिया मुकाबले का एक कंपटीशन है। वैसे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला का कलाम पेश करते हैं व्यूअर्स, तो वो इन इटसेल्फ इतना बड़ा ऑनर है। नात पेश करते हैं वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ा ऑनर है। बट कल क्वालिफायर फोर में जो है वो एबटाबाद की सबा परवेज़ जो हैं वो क्वालिफाई कर गई थी राउंड टू के लिए, और अब हमारे लास्ट टू क्वालिफायर्स रह गए हैं। आज क्वालिफायर फाइव है। आज चार नए पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमदे बारी ताला पेश करेंगे। कल यही कंटेस्टेंट्स जो हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, और थर्ड डे जो है वो एलिमिनेशन का होगा। हमारे जजेस पैनल में ऑफ कोर्स बहुत ही ऑनरेबल शहबाज कमर फरीदी एंड दी ऑनरेबल शहजाद मदनी हमारे साथ हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चे के साथ मोहम्मद अली खालिद। मैं हूँ बंदा, मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा, मैं हूँ बंदा, लाइके सजदा ओ सना तू है, मैं हूँ बंदा, मेरी तुझसे मगर बका तू है, मैं फना हूँ मगर बका तू है, मैं हूँ बंदा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत ही जी माशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आपने तैयारी नहीं की, ऐसे जल्दी जल्दी से जो ना पढ़ा है। जैसे मैं एक मिसरा कह देता हूँ, तेरा बंदा हूँ मेरा
कहानी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह आपने कोशिश की है। आगाज में कमज़ोर थे, लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से उन्होंने जो अपनी एक रंग था वो कोशिश किया है, बहुत अच्छी कोशिश है, मुमकिन है कि आगे और बेहतर। लेकिन अगर बिगिनिंग से एंड तक वही फ्लो रहे तो फिर खूबसूरती तो कलाम की तभी सामने आती है। वो आप अक्सर कहती है ना कि रोजे की हालत में भी आप कहती हैं छोड़ दे करो, तो चले तुसी छोड़ दो, सुभाष भाई ने नहीं छोड़ा, आगे पता चलेगा। देखिए हमें आपने इस नहीं नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने तो अल्लाह और उसके रसूल को हाजर नाजर जान के सही मार्क्स देने को। प्रेजेंटेशन तो बहुत शानदार थी, अदायगी लिबास अंदाज मुझे अच्छा लगा, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मिलेगा नूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, बहुत शुक्रिया बेटा। और बिलाल मुख्तार अब हमें ज्वाइन करेंगे और हमदे बारी ताला पेश करेंगे। हमद क्या हो सके बयां तेरी, हमद क्या हो सके बयां तेरी, जर्रा जर्रा तेरी, जरा जरा मुश्किलों से निकाल पालने वाले, दोनों वालम के पालने वाले, हमद क्या हो सके बयां तेरी। बहुत खूबसूरत जी शाह साहब, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, बड़ा दिल से पढ़ा है और सोच से पढ़ा है, चाह के पढ़ा, वेरी नाइस। अच्छा, मैं एक बात का क्रेडिट कासिम भाई को बहुत ज़्यादा देना चाहूँगी कि कासिम भाई ने जब से प्रेजेंटेशन पे भी कमेंट्स देने शुरू किए हैं ना, तो हमारे बच्चों ने जेन्युइनली बड़ा एफर्ट किया है कि अपना लिबास और अपनी लुक और उस पर भी एफर्ट करें, क्योंकि देखिए अपने अंदर भी तो प्राइड इंसान को लेना चाहिए। आप देखें आप क्या कलाम पेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल, असल बात यह कि किन की बारगाह में पेश किया जा रहा है, सच दच के आओ, बहुत इसके पूरी जो चीज़ें खुश लिबासी खुशबू लगा के हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं, और बच्चे ने बहुत खूबसूरत पढ़ा। आगाज़ में थोड़ा सा कमज़ोर थे, लेकिन बाद में अंतरे के बाद इतनी खूबसूरत छोटी छोटी सी जगह कहीं कि मज़ा आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा है और बड़े दिल लगा के पढ़ा है और बड़े भिज के जिन्हों कहते ना सुरूर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा। क्या बात है, आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा नूर ऑर्चर्ड की तरफ से। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी बेटी कवल आफ्ताब एंड द वेरी गुड लुकिंग ज़ुल्करनैन सिकंदर है। थैंक यू।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान. व्यूअर्स, आज हमारे साथ हमारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल इसलिए कहूँगी क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान और अक्रॉस द बॉर्डर की हद तक नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है. कंवल आफ्ताब एंड ज़ुल्कर नैन सिकंदर हमारे साथ हैं, द वेरी लवली कपल. हमारा सेगमेंट नूरे मिद्दत जारी है जहाँ पे हमारे ऑनरेबल जजेस भी हमारे साथ हैं, शहबाज भाई और मदनी भाई एंड देन कासिम अली शाह ऑफ कोर्स द किंग ऑफ द शो. एंड अब हमारे साथ हैं उस्मान चिश्ती जी बेटे. या इलाही हर जगह तेरी अता का का साथ वो या इलाही हर जगह या इलाही नज़ा की तकलीफ को शादी दीदारे हुस्ने मुस्तफा का सा बेटा आपकी एज क्या है? आप माइक में बेटा 18 ईयर. और कब से आप नातवानी से कनेक्टेड हो? किस एज? 7 साल का. कितने साल? 7 साल का. जब से 7 साल 11 साल. चिश्ती साहब ने अपना रंग दिखाया जी, चिश्ती रंग माशाल्लाह. बड़ी अच्छी कोशिश, अंतरे पे जाते हुए थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा मिस किया, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा. सांस भी छोटा है, जगह बड़ी बड़ी लेने की कोशिश की है. बच्चा छोटा है ना जी, आप ये देखिए. बिल्कुल ठीक है. सांस भी टूट रहा था और फिर आगाज़ में जब अलाप किया, कोशिश की, उस वक्त भी बहुत खराश, लेकिन लगता है कि एक वक्त आएगा अगर ये ऐसे ही मेहनत करता रहे तो बहुत बड़े नाम में माशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें बरकत देगा इंशाल्लाह. बहुत अच्छा, माशाल्लाह वेरी नाइस. मैं जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इनकी कद काट से इनकी आवाज़ का कद ज़्यादा बढ़ा है. हाँ, वाह, अंदाज़ बड़ा अच्छा है और बड़ी मोहब्बत के साथ इन्होंने पढ़ा. वेरी नाइस, गुड. माशाल्लाह बेटा, आपको अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और सैयदा मरियम ताहिर अब हमें ज्वाइन करेगी जी बेटे. मेरे मौला
तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम ये जमीन और ये आसमां तेरे कब्जे में है दो जहां ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत दुखी रब के हुजूर अपनी कोई ख़ास एप्लीकेशन कोई रिक्वेस्ट कोई बात कर रहा है एक लम्हे के लिए तो ऐसे लगा कि जैसे कोई मतलब एक अजीब कैफियत थी तो बहुत अच्छी मेरी बेटी अल्लाह पाक आपको सैयदा के सदके बहुत इज़्ज़तें अता फरमाए बहुत लुत्फ़ आया माशाल्लाह माशाल्लाह सैयदा साहबा ने बहुत अच्छा पढ़ा और जो फीलिंग आनी चाहिए थी कलाम के हिसाब से पूरी माशाल्लाह उस पर पूरे उतरे बहुत खूब माशाल्लाह वेरी नाइस बहुत अच्छी अदायगी थी अंदाज बहुत अच्छा था गुदाज था आवाज़ में बड़ा गुदाज कमाल था बहुत आला बेटा शाबाश मरियम आपके साथ जाएगा गिफ्ट हैम्पर अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से ख़वातीन और हज़रात ये तो आज का हमारा ये वाला सेगमेंट नूर मिद्दत का रैप अप हुआ तमाम पार्टिसिपेंट्स कल जो हैं नातिया कलाम पेश करेंगे और परसों क्वालिफायर 5 का एलिमिनेशन डे होगा अब क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारा कपल है और अब हमने आपको खुदा हाफिज़ भी कहना है तो मैं चाहूँगी कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है यूथ की लोग टिकटॉक को ही कभी कभी वाहियाती और इनकरेक्ट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए इस माह मुबारक को क्या पैगाम देना चाहेंगे आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट अच्छा मेरे ख़्याल से तो रमज़ान के अलावा भी हमें पूरा साल या मतलब जब जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं हमें पॉजिटिविटी उसको दिखाना चाहिए चाहे हम उसको फ़नी वे में दिखा लें चाहे हम सीरियस वे में दिखा लें क्योंकि हमारी पब्लिक है कहते हैं ना जैसे बच्चा है बच्चे को मार के कोई बच्चे मार के होते हैं और कोई बच्चे प्यार के होते हैं और कुछ हंस के सुनते हैं हाँ कुछ हंस के सुनते हैं इसी तरह हमारी आवाम भी है ना वो भी इसी तरह है कि अगर हम उन्हें सीरियस होके मतलब कहेंगे ये करो ये करो ये करो वो नहीं करेगी क्या पता हम उनको प्यार से या मजाक में अगर हम उनके लिए कोई ऐसा वीडियो कंटेंट लेके आते हैं कि उसको वो इंस्पायर होके उसको देख के एक तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ जाए और एक वो उस काम को भी ले चले वो सीख भी जाए आप क्या कहोगे मैं बस यही कहूँगा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं रमज़ान में वैसे भी ख्याल करना चाहिए मतलब थोड़े अक्सर टिकटॉक के हवाले से ही सिर्फ बात करूँ तो लोग सॉन्ग्स पे बनाते हैं लाइफ के बारे में भी गाइड कर सकते हाँ। हो अच्छाई की तरफ किस तरह लोग हाँ, अपना रुझान करें बस ये है कि अगर मुझे ये लगता है कि इंसान अगर खुद पॉजिटिव है तो वो अगले बंदे को भी पॉजिटिव नज़रों से ही देखेगा तो मैं कंटेंट क्रिएटर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छा कंटेंट बनाएं लोगों के अंदर एक अच्छाई वाला शऊर पैदा करें और दूसरी बात यह है कि अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद भी अपनी नज़रों को पॉजिटिव बनाएं हाँ बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ जाएं सब
अच्छा मुझे ना जल्दी से बाइक के विनर का नाम भी अनाउंस करना है। मैं क्या करूँगी, कासिम भाई अनाउंस करेंगे, मैं कासिम भाई की तरफ लेके आऊँगी। हमने कुरा निकालना है। होता ये है कि बाय द वे अनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ की है, वो डेली अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए उम्रे का टिकट निकलता है, बाइक निकलती है, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन एंड LCD एंड वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, 4 गाड़ियाँ जीतने का भी मौका है। क्या बात है। तो बस अपने बकिया वाजिबात दे दें प्लीज़, ताकि आपका नाम भी इस बैलेट बॉक्स के अंदर चला जाए। एंड उसके साथ साथ ऑफकोर्स जो व्यूअर्स हैं, आप में से कोई भी 5 मरले के प्लॉट का विनर हो सकता है। अगर आप अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, उनको लाइक करें, उन्हें टैग करें और उन्हें शेयर करें, आप भी फिर कुरानदाजी का हिस्सा बन सकते हैं जो 27 रमजानुल मुबारक को होगी, और 5 मरले का प्लॉट के आप विनर बन सकते हैं। मेरे ख्याल से क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि बाइक का और उम्रे का टिकट दोनों के जो नाम है वो निकाल लेते हैं। कासिम भाई, अब ये 2 कुर्रे हैं, एक बाइक के विनर है और एक उम्रे के टिकट के। बाइक के विनर कौन? ये बाइक के विनर है जी आसिया फैसल नाम है इनका, कराची से ताल्लुक है, रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BLM 8528394। इनको बड़ी बड़ी मुबारक हो जी। अच्छा आज लड़कियां ही लड़कियां हैं। आयशा फैसल को मुबारक हो, आप बाइक की विनर हैं। अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं उम्रे का टिकट जी। उम्रे के जो जिनका नाम निकला है वो शहनाज इकबाल है, शहनाज इकबाल, और लाहौर से इनका ताल्लुक है, रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BET 7642181। बहुत बहुत मुबारक हो इनको, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग भी लाइक आई सेड अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के जो कस्टमर्स हैं वो भी बन सकते हैं इस कुरानदाजी का हिस्सा। बकिया वाजिबात अदा कर दें प्लीज़। अच्छा अब क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है और हमने जुल्कर नहर और कवल को भी खुदा हाफिज कह दिया है, तो हम कलाम सुनते सुनते ब्रेक की तरफ चलें तो क्या ही माहौल सेट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद किचन में भी जाना है। बात उन पर जो छोड़ दे वो जोड़ देते हैं बात उन पर बदलियां हम बोल
रास्ता ही छोड़ दे।